आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपनी नैनो का। ये रिव्यू जो होने वाला है पूरा एक साल बाद होने वाला है, क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट एक साल हो गए। तो ये गाड़ी जो मैंने ली थी ड्राइव करने के पर्पज़ से ली थी, क्योंकि मुझे ड्राइविंग आती नहीं थी, तो सीखने के पर्पज़ से ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। और क्यों बढ़िया गाड़ी है मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, आइए देखते हैं। पहले मैं गाड़ी का ओवरव्यू करा देता हूँ। गाड़ी बहुत बेसिक सी गाड़ी है, लेकिन इसकी पावर और इसकी जो ड्राइविंग है बहुत ही अच्छी है। तो पहले गाड़ी का एक बार ये सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए, मैंने कुछ बनाए हैं। तो इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि चार लोगों के बैठने की जगह है और बहुत ही कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अनकंफर्टेबल हो। गाड़ी के अंदर की बात करूँ तो पीछे पैसेंजर स्पेस में काफ़ी स्पेस है, मतलब लैग स्पेस आपको इतना मिल जाता है कि आप खुल के बैठ सकते हैं। अगर मैं किसी 6 फुट के बंदे की भी बात करूँ वो भी ईजिली यहाँ पर बैठ सकता है। पीछे आ जाते हैं तो पीछे आपका यहाँ पर डिग्गी नहीं होती है, डिग्गी का जो एंट्रेंस होता है वो अंदर से ही होता है, जहाँ आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये ऊपर जो ट्रे है यहाँ पे अपना कुछ छोटा मोटा सामान डाल सकते हैं। प्लस आपको बैक साइड में थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, जैसे मैंने ये बैग रखा हुआ है, एक दो बैग आप और एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये कि अगर आपने म्यूज़िक सिस्टम लगा रखा है तो वो आपको हटाना पड़ेगा। तो आ जाते हैं फ्रंट सीट की तरफ। तो फ्रंट सीट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पैसेंजर के लिए भी लैग स्पेस देखिए आप काफ़ी है, मतलब गाड़ी ये सिर्फ बाहर से देखने में छोटी लगती है लेकिन गाड़ी के अंदर काफ़ी स्पेस है। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगा रखी है फ़ैन, बिकॉज गर्मी में को पैसेंजर होते हैं जो पीछे होते हैं पिलियन होते हैं, तो उनको थोड़ा सा गर्मी का अगर लग रहा है कि इफ़ेक्ट ज़्यादा है तो आप गर्मी के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। फ्रंट में आपको स्पेस मिल जाता है इस वाले मॉडल में, ये एलेक्स मॉडल है, तो इसमें आपको एक यहाँ पे ग्लव बॉक्स है। ग्लव बॉक्स की जगह पे उन्होंने पर्टिकुलर स्पेस बना रखा है जहाँ पे आप बहुत सारा सामान आप रख सकते हैं, जैसे मैंने भी काफ़ी सारा सामान यहाँ रखा हुआ है। अब आ जाते ड्राइविंग सीट की तरफ। ड्राइविंग सीट की तरफ आप देखेंगे तो इस वाले मॉडल में आपको पावर विंडो मिल जाता है, यहाँ जिसके स्विच नीचे हैं गियर के पास, और इसमें चार ही गियर होते हैं, ज़्यादा गियर नहीं है, क्योंकि ये 624 cc की इंजन वाली कार है और इसमें इतना ही सफिशिएंट है। बाकी इसका टर्निंग रेडियस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट है। तो गाड़ी आप देख पा रहे हैं लेकिन इसमें काफ़ी सारे डेंट आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से कुछ मैंने लगाए हैं, कुछ ऑलरेडी लगे हुए थे क्योंकि मैंने ये सेकेंड हैंड ली थी। अभी मैंने उसको ठीक नहीं करवाया क्योंकि अभी बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी सीखना है, तो वो लोग भी सीख लेंगे फिर उसके बाद उसको करवाएंगे। तो ये 2013 मॉडल है, अभी 27 तक चलेगी। तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं और सीखने के लिए आपको कोई एक गाड़ी चाहिए जो कि आपको आपके बजट में हो, मतलब कि आपको ये 30 से 40 या 50 तक मिल जाएगी, डिपेंड करता है कि आपका नेगोशिएशन स्किल्स क्या है और आपका जो आपको कार जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं किस तरीके से। तो मैं इसका आपका बोनट भी दिखा देता हूँ। इस मॉडल में एसी भी है, बोनट इसका यहाँ से खुलता है ड्राइविंग सीट के जस्ट पास से। तो
बोनट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा व्हील रखने की जगह है और कुछ नहीं है। अगर आप व्हील नहीं रखते हैं तो छोटा मोटा कोई भी ऐसा सामान जो कि ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। अगर आपका सीएनजी वेरिएंट होता तो इस जगह पे आपको सीएनजी का नोज़ल मिलता है जहाँ से आप फिलअप करा सकते हैं। ये आपका ब्रेक ऑयल है। बस बहुत बेसिक सी कार है ये। इस कार से मैंने काफ़ी सारे टूर भी मारे हैं। अभी रिसेंटली मैं वृंदावन गया था, उसका वीडियो मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो बहुत प्यारी सी छोटी सी कार है, आप इसको ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको, इसका ड्राइविंग करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और आपको ऐसा नहीं कि मतलब नया ड्राइवर है तो आपको चलाने में कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इसका आगे बोनट है ही नहीं, तो आपको ज़्यादा वो रेडियस मेंटेन नहीं करना पड़ता। और आपको एक लिमिटेड स्पेस में ही आपको पूरा ड्राइव करने का चांस मिलता है। देखिए कितना जल्दी इजीली घूम जाती है। रोड चेक कितनी खराब हो, थोड़ा कैबिन नॉइस आपको फील होगा, लेकिन हाँ जिस बजट में हमने कार ली है इतना तो आप झेल ही सकते हैं। ये रोड बहुत ही खराब है क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर हम शीशे पूरे बंद कर देते हैं हल्का सा कम होता है, अदरवाइज पूरी नॉइस मिलने वाली है आपको, सोने से बचाएगी। जब स्मूथ रोड होता है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। यहाँ से हम रोड में कनेक्ट होंगे तो आपको रोड का भी एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अगर आपको ये गलत फहमी है कि ये हाईवे पे नहीं जा सकती, तो ये दोस्त हाईवे पे भी जा सकती है। सिटी में ये फोर्थ गियर लगाना नहीं पड़ता क्योंकि एज यू नो कि ट्रैफिक बहुत होता है, तो बार बार ब्रेक एंड क्लच और स्पीड लिमिट भी अराउंड 40 या 50 के अराउंड होती है। तो ये थर्ड गियर में ही काफ़ी अच्छी आपको स्पेस और स्पीड आपको दे सकती है।